तो आप सभी को तो पता ही है कि न्यू सीजन स्टार्ट हो गया है और बच्चे अपने स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं नई नई बुक्स लेकर, नई नई कॉपीज लेकर। तो इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ आज की इस वीडियो में दो अमेजिंग से पराठों की रेसिपी, जो आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसीलिए मैंने दो लोई की रोटियां बनाई और उसके बाद मैंने उस पर डाली पत्ता गोभी और उसी के बाद कुछ मसाले उसके ऊपर डाले और उसके बाद मैं इसे घी में अच्छे से सेक लूंगी ऊपर और नीचे से। और आप देखिएगा ये इतना टेस्टी पराठा लगता है, स्टफिंग भरा हुआ पराठा। और इसके ऊपर आप बटर रख कर दीजिएगा और थोड़ी सी मूली अचार के साथ इसको सर्व कर दीजिएगा, बच्चे डेफिनेटली इसको खाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे पराठे की तरफ जो कि है मूली का पराठा। तो चलिए इसे भी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है दो मूली, उसे अच्छे से घिस लिया है और उसके बाद जो उसके हरे पत्ते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है उसे भी ले लिया है, उसे भी बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डाले हैं, नमक डाला है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम टाइम हो चुका है इस स्टफिंग को अपने पराठों में भरने का। मैंने बनाई दो लोई, उससे बनाई मैंने दो रोटियाँ और दो रोटियों के अंदर मैंने भर दी अपनी पूरी स्टफिंग, क्योंकि मूली के पराठे भरी भरी स्टफिंग के ही अच्छे लगते हैं जैसे पंजाबी लोग बनाते हैं। उसके बाद मैंने सारी स्टफिंग अपने पराठों में भर दी और भरने के बाद अब टाइम हो चुका है इसको अच्छे से सेक लेने का। तो चलिए अपने तवे पर चलते हैं और तवे को मैंने अच्छे से प्री हीटेड कर लिया और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच के करीब घी और घी के बाद मैंने खूब अच्छे से इसे आगे पीछे से घी में बटर में अच्छे से सेक लिया है और अब हम इसको ले जाते हैं सर्विंग के लिए। तो चलिए देखिए पराठा कितना सुनहरे कलर का, बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में और जितना देखने में यम्मी था उससे कहीं ज़्यादा ही खाने में यम्मी था। तो चलिए अब इस टाइम हो चुका है इसको सर्व करने का और हम सर्व करेंगे इसे बटर के साथ जैसे कि पंजाबियाँ करते हैं, बटर के साथ और अचार के साथ और लस्सी के साथ। तो इन्जॉय कीजिए पराठे और आपको वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।